लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आप क्यों फिकर कर रहे हो? अरे सब ठीक हो जाएगा। लीजिए जूस पी लीजिए, आपने दो दिन से कुछ भी नहीं खाया। मेरी भूख ही मिट गई है, किसी चीज की इच्छा नहीं है। ले जाओ साला, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। वो सरकारी एयर कंडीशन गाड़ियों में घूमना, वो कॉकटेल पार्टियों में मुफ्त की शराब पीना, वो इज्जत से रिश्वत लेना, सब खत्म हो गया। सोचा था मेरी मौत कुर्सी पे होगी, ये खटिए पे आ गई, सब खत्म हो गया। इसीलिए तो कहती थी ईमानदारी से कीजिए। चुप कर, गंगा कहेगी। जलंदास जलंदास अर्जुन आ गए, उसको बोल मैं चार धाम की यात्रा पे गया हूं। बोल दो उसको। आपको क्या चाहिए? चरणदास कहाँ है? जी वो तो तीर्थ यात्रा पर चले गए। क्या? एसीपी साहब कुर्सी के जाते ही उन्होंने सारे बुरे काम और सारे गलत काम छोड़ दिए हैं। अब वो एक नेक इंसान बन गए हैं। दुनिया भर के गुनाह करने वाला एक शैतान रातों रात एक नेक इंसान बन गया। अच्छा तो ये है तेरी तीर्थ यात्रा। पुलिस की आंखों में धूल झोंकने को तो तीर्थ यात्रा कहता। बोल ऑटो केसरिया कहाँ है? ऑटो केसरिया मुझे नहीं मालूम। सीधी तरह बता दे वरना उसका साथ देने के जुर्म में पुलिस तुझे भी नहीं छोड़ेगी। अरे क्यों मरे हुए को मारना चाहते हो साहब? एक कुर्सी चले के बाद में सब मुझे छोड़कर चले गए। अगर फिर भी मुझे पता चल गया तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है लेकिन किसी किस्म की चालाकी की तो अच्छा नहीं होगा। भारत माता मुझे कुछ नहीं आता। जी मालिक, इससे पहले कि ये बात आगे बढ़े जाके केसरिया को ढूंढ, उसको बोल कि एसीपी को खत्म कर दे वरना ये साला हमको खत्म कर देगा। हाय हाय हाय। एक्सक्यूज मी मैडम, कहिए विस्की या ब्रांडी? मैं अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही हूँ, बाद में बताऊंगी। अच्छा मैडम। गुरु अब देखो मैं इसे कैसे पटाता हूँ। हाय मिस। हाय। किसी की राह देख रही हो? यस, अपने यार आटो केसरिया की। आटो केसरिया? हाँ, जब से उसका कामदेव चेहरा देखा है मैं रति की तरह फुदकने लगी हूँ। उसका ख्याल दिमाग में आते ही मेरे बदन का पुर्जा पुर्जा टूटने लगता है, मेरे रोए खड़े हो जाते हैं, मेरी सांसें महकने लगती है, मेरा यौवन चहकने लगता है, मेरी आंखें शर्म से झुक जाती है, मेरे होठ कांप उठते हैं। और क्या क्या होता है? तुम कौन होते हो मेरे अंदर की बात पूछने वाले? तेरा बाप डैड ऑटो केसरिया। ऑटो केसरिया मिल गया। पुलिस, दो लाख। साली, पुलिस की जासूसी करने आई है, मुझे पकड़वाने आई है। जान कहाँ चली? मैं पिट गया।
मुझे शादी नहीं करना, मुझे तो लगनी चाहिए। वो क्या होता है? मुझे शादी नहीं करना, मुझे लगनी चाहिए। अर्जुन। यस सर। ऑटो के जरिया, ऑटो के जरिया। क्या हुआ? ऑटो के जरिए मेरे हाथ से बच के निकल गया। मैंने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की, उसने मुझ पे हमला। कहाँ है वो? डिंपल बार जू में। इंस्पेक्टर नायक। यस सर। शहर में नाकाबंदी कर दो, हर गाड़ी की तलाशी लो, केसरिया किसी भी हालत में शहर से बाहर जाने ना पाए। ऑटो केसरिया की मौत के जिम्मेदार तुम हो, सिर्फ तुम। अगर उसे जिंदा गिरफ्तार किया होता तो यह केस आसानी से सुलझ जाता, लेकिन तुमने नाकाबंदी करके उसे आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया और केस पूरी तरह से उलझ गया। सर, ना ही ये केस उलझा है और ना ही ऑटो केसरिया अभी तक मरा है। What do you mean? उसकी लाश मिली है, कपड़े मिले हैं, पासपोर्ट मिला है और तुम कहते हो कि अभी तक वो मरा नहीं? सर, जो लाश रेलवे ट्रैक पर मिली है वो इस तरह कुचली हुई है कि उसका पहचान में आना बहुत मुश्किल है। और दूसरी बात, कोई आदमी जेब में पासपोर्ट रखकर खुदकुशी करने नहीं जाता। ये ऑटो केसरिया की एक चाल है जो हमारी आंखों में धूल झोंकना चाहता है। वो अभी तक जिंदा है और बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। भाई, साहब के लिए खाना लेकर आना, मैं भी आती हूं। नमस्ते साहब। नाम क्या है तेरा? कमला। कमला नाम अच्छा है और दिखने में भी बड़ी खूबसूरत है तू। भाई, खाना ठीक से लगा दिया है ना? सब रख दिया। हाँ गंगा, ये कौन है? ये नई नौकरानी है, बुधवार पेट से मेरी चाची ने भेजा है इसे। अच्छा, बुधवार पेट से आई है। जरा फोन लेना, मैं खाना खा लूँ। फोन लेना। ए, ये सो जाए ना, बाद में रात को मेरे कमरे में दूध लेकर आना। हाँ। क्या सेठ जी से बात करनी है? सुनिए, आपका फोन है। आया। चरणदास, तेरा बाप ऑटो केसरिया बोल रहा हूँ। क्या तू जिंदा है? लेकिन बहुत जल्द मर जाऊंगा। सारे देश की पुलिस मेरे पीछे पागल कुत्तों की तरह पड़ी है। मैं तेरे पास आ रहा हूँ। मेरी बात सुन तो। हेलो, क्या हुआ? वो ऑटो केसरिया यहाँ पे छुपने के लिए आ रहा है। तो उसे मना कर दो। कैसे मना करूँ, कैसे रोकूं? समझ में नहीं आता क्या करूं मैं। ऐसे भी अर्जुन। अर्जुन, मैं हरीश बोल रहा हूँ। ऑटो केसरिया थोड़ी देर में चरणदास के घर आ रहा है, तुम जल्दी आ जाओ। भारत माता, मुझे कुछ नहीं आता। अच्छा होता मैं पुलिस को उसी वक्त ऑटो केसरिया के बारे में बता देता, थोड़ी बहुत सजा हो जाती, लेकिन ये लफड़ा तो नहीं होता। अब भी कौन सी देर हुई है, मेरी बात मानो, पुलिस को सब कुछ इसी वक्त बता दो। ठीक है, तुम ठीक कहती हो। देवदास, क्या कर रहे हो वहाँ? दिखाई नहीं देता, टेलीफोन का वायर काट रहा हूँ। पागल हो गया है क्या? क्यों काट रहा है? क्योंकि तेरा मरद मेरे बॉस का भांडा फोड़ना चाहता है। तेरा बॉस?
कौन है तेरा बॉस? तेरा मरद जिसका नौकर है वो ही मेरा बॉस है। गंगा, ए गंगा, जाके मेम साहब को बुला। मेम साहब अब नहीं आएगी। क्या? मैंने उसको ऊपर भेज दिया है। क्या बकवास कर रहा है तू? और अब मैं तुम्हें भी ऊपर पहुंचा दूंगा। Oh.
हूं।